हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ज्वेलरी कलेक्शन जो मैंने लिया है सरोजनी नगर से। बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती सो दैट मैंने इस वीडियो को डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओनली इयररिंग्स जो मैंने सरोजनी नगर से लिए हैं। तो अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने सरोजनी नगर का ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग की थी। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था जब आप गेट नंबर 3 से एंटर होंगे तो आपको थर्ड स्टॉल जो बैनर के नीचे मिलेगा वहां से मैंने ये 3 इयररिंग्स लिए हैं, जिसमें ये 100 के हैं एंड ये दोनों हम 50-50 रुपीज के हैं। ये आप देख सकते हैं जो कि जूट के बने हुए हैं, नाउ यू कैन सी। और इस पे ये पर्ल जो मोती लगे हुए हैं और ये भी मोती के ये हूप्स हैं। इनके बहुत सारे कलर्स वहां पर आपको मिल जाएंगे, मोस्टली सभी कलर्स मिल जाएंगे। एंड ये मुझे मिले थे 100 रुपीज के, ये 100 रुपीज के दिए थे। इसके ओनली 2 ही कलर थे, एक ऑरेंज और आई थिंक पिंक सा था, और ये मुझे ये पसंद आया। ये 100 रुपीज के थे, वो 50-50 के। अच्छा, इनके प्राइस फिक्स थे, इनके स्टॉल के प्राइस फिक्स ही होते हैं। तो फर्स्ट मैंने स्टॉल से ये परचेज किए थे। एंड नेक्स्ट आप जब उसके आगे जाएंगे जो मैंने बताया था सिटिंग एरिया के पास में जो आपको स्टॉल छोटे छोटे मिल जाएंगे, वहां से मैंने ये इयररिंग्स जो आप देख सकते हैं इस तरह से, इनके स्टॉल से मैंने इस तरह से एक ये पेयर लिया था और एक ये लिया था। ये आप देखिए राउंड और ये ग्रीन है, इसमें नीचे ग्रीन ये मोती है और ये ग्रीन और पिंक कलर में है। अच्छा, ये इन्होंने मुझे 50-50 रुपीज के दे दिए थे, 50-50 रुपीज के पेयर थे जो काफी अच्छे हैं और लाइट वेट हैं। और नेक्स्ट वहां पर जो मैंने आपको दिखाया था एडी की जो ज्वेलरी थी इस तरह से, उनके पास फिंगर रिंग भी बहुत अच्छी थी, इयर रिंग्स भी बहुत अच्छे थे और उनके सेट भी, ब्रेसलेट भी बहुत अच्छे थे। उनके पास से मैंने ये लिए थे, इससे आई थिंक सुई धागे का या कुछ ऐसी बोलते हैं। तो इसके भी कलर 2 थे उनके पास, एक पिंक था और एक ये ब्लू था। तो मुझे ब्लू कलर का एक सूट बनाना है, तो मैंने ड्रेस बनाना है, तो मैंने उनसे ये लिए हैं। ये कुछ 120 के कुछ ऐसे ही थे। अच्छा, ये इस तरह के आपको वहाँ पर इसके पीछे रुपीस मिलेंगे 110, हाँ ये 110 के थे। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइट वेट हैं। और उन्हीं के स्टॉल से मैंने ये 2 लिए थे, उनसे भी मैंने 3 पेयर लिए थे जिसमें अभी मैं आपको शो करती हूँ। एक था 120 का और ये एक 200 का था। जो 200 के थे वो ये हैं, जो एडी की जो अमेरिकन डायमंड, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनके जो स्टोन है वो आप देखिए फंसे हुए हैं जो कि निकल भी नहीं सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे मुझे मिल गए थे, जो इस तरह से भी आप वेयर कर सकते हैं और इसको ये चीज़ निकल भी जाएगी, ये इस तरह से निकल जाती है। तो आप इसमें इनके साथ में इसके पीछे का ये भी दिया हुआ है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने ये छोटे छोटे लिए थे जो कि 120 के बताए थे, इन्होंने 100 के दे दिए थे। मैं इनको, आप इनसे अगर बार्गेनिंग करेंगे ना, जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं तो ये बहुत अच्छे और आपको इनके पास बहुत अच्छे पीसेस भी मिल जाएंगे। वहीं पर आगे एक परमानेंट सा सब्जी मंडी लेन में मैंने दिखाया था, परमानेंट स्टॉल था उनके पास, ये 50-50 रुपीज के और 100-100 रुपीज के बहुत अच्छा कलेक्शन था। तो मैंने ये 2 लिए थे, ये एक मेरी सिस्टर के लिए लिया था, एक मैंने अपने लिए लिया था। 50-50 में बहुत अच्छे और लाइट वेट है। और मैंने आपको दिखाया था जो हूप्स का उनके पास, अच्छा उस टाइम तक मेरा मोबाइल भी डाउन हो गया था बीच में, तो हूप्स के लिए एक आंटी बैठी थी बीच में, उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था, बहुत चीप था। ये हूप्स मुझे आई थिंक 10 या 20 रुपीज के दिए थे, मैंने इसके भी 2 पेयर लिए थे हूप्स के। और उनके पास से मैंने बहुत सारे हूप्स लिए हैं, ये मैंने बिग साइज में लिए थे जो सभी उन्होंने मुझे, मैंने ज़्यादा लिए थे तो उन्होंने काफ़ी कम करके दे दिए थे। और ये देख सकते हैं इसमें पर्ल लगे हुए हैं सिर्फ हाफ में जो आगे का है उसमें, और एक ये हैं। तो उनसे मैंने इतने सारे हूप्स लिए थे, उन्होंने बहुत ही रिजनेबल प्राइस में दे दिए थे। और नेक्स्ट स्टॉल से ही मैंने अगेन लिए हैं ये ग्रीन कलर के, ये मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ में मिले थे जो काफ़ी अच्छे हैं और ये प्लास्टिक के हैं, बहुत लाइट वेट से हैं, ओनली 20 रुपीज़ के। और उसी स्टॉल से मैंने ये लिए थे जो 50 रुपीज़ के थे, ये भी बहुत लाइट वेट हैं और बहुत अच्छे हैं। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन आपको वहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाएगा। और ये आपको मिलेगा
बिग सी लेन के साइड जो स्टॉल है वहां पर झुमकी का कलेक्शन बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो वहां पर एक भैया थे, उनके पास झुमकी का बहुत अच्छा कलेक्शन था, उनसे मैंने ये लिए थे 50 रुपीज के। और आपको अब मैं दिखाती हूँ अपनी कुछ हैवी इयररिंग्स, जिसमें ये हैं लाइट वेट, बट ये मुझे सारे इयररिंग्स जो अब मैं दिखाऊंगी वो मैंने एक ही स्टॉल से लिए थे। फर्स्ट नंबर पे मैंने ये लिया था, जिसमें यहाँ पर ये पिकॉक है, ये झुमकी है। और नेक्स्ट मैंने उन्हीं के स्टॉल से ये लिया था, ये आपको मिलेगा KFC के साइड जो स्टॉल है वहां से मैंने लिया था। वहां पे एक भैया थे, उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था, ये आई थिंक 800 के दिए थे उन्होंने, और ये मुझे दिए थे 400 के। टोटल उन्होंने मुझसे काफ़ी बार्गेनिंग के बाद 2000 रुपीज टोटल लिए थे। ये थे और उन्हीं की शॉप स्टॉल से, शॉप नहीं थी सॉरी, स्टॉल था, शॉप के बाहर ही लगाए हुए थे। मैंने ये पिंक लिए थे, जिसमें अगेन पीकॉक बना हुआ है, और इसमें ये प्लास्टिक के जो ये स्टोन तो नहीं है, ये प्लास्टिक लगी हुई है, और इसमें नीचे झुमकी, तीन तीन झुमकी है छोटी छोटी, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने लाजपत से पिंक कलर की एक ड्रेस भी ली है, सो दैट मैंने ये लिए हैं। और छोटे छोटे स्टॉल पे इस तरह का आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा कलेक्शन, जो मैंने आपको दिखाया था 30 रुपीज़ का, और इवनिंग तक उन्होंने 100 के 4 कर दिए थे। तो उनसे मैंने ये लिया था एक, जिसमें ये लीव्स बनी है और ये झुमकी है, और एक मैंने लिया था ये। ये सब मैंने उन्हीं से लिए थे जो 100 के 4, तो ये है सेकेंड। ये भी बहुत लाइट वेट हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, 2 हो गए। और थर्ड मैंने लिया था, वो 2 लिए थे, और ये इनका अलग था, ये नीचे को लगे होते हैं उसमें, ये उन्होंने मुझे 50 का बताया था, बट आफ्टर बार्गेनिंग ये 30 के दे दिए थे। और नेक्स्ट मैंने उन्हीं के स्टॉल से लिए थे ये, इसमें ये वाइट पर्ल हैं, और ये नीचे झुमकी है, इसकी भी बहुत लाइट वेट है। देखने में आपको ये काफ़ी हैवी लग रहे हैं, बट ये बहुत लाइट वेट हैं। और ये मैंने सब्जी मंडी लेन के साइड, जहाँ से मैंने ये लिए थे ना, दिखाए थे 2 पेयर जो इसके लिए थे, वहाँ से मैंने ये भी लिए थे, ये भी 50 रुपीज़ के थे, जो बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इन सबकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इससे पहले भी ले चुकी हूँ, तो इनकी पॉलिश भी नहीं, हाँ नेक पीसेस जो आप लेंगे उनकी समटाइम्स पॉलिश निकल जाती है, ऑक्सीडाइज की पॉलिश नहीं निकलती है। और ये जो हैं वो बिग साइज में हैं। अच्छा, ये सब जो आंटी मैंने बताया था उनसे लिए, तो उन्होंने बहुत ही चीप से प्राइस में दे दिए थे, 20-20 रुपीज़ और 30-30 रुपीज़ के, तो उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था। अच्छा, ये मैंने एक स्टॉल पे मुझे इस तरह की ज्वेलरी मिली थी, इस तरह की इयररिंग्स, जो ये देखिए आप, इसमें ये ब्लैक और इनकी पॉलिश, इनके पास नेक पीसेस भी बहुत अच्छे थे, मैंने नेकलेस भी लिए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। और ये हैं ग्रीन कलर में, ये वुड के बने हुए हैं, ये वुडन है और उनके ऊपर ये पेंट किया हुआ है वुड के ऊपर, ये भी बहुत लाइट वेट है, इनका कलर बहुत अच्छा है, सो दैट मैंने इनको भी ले लिया। और नेक्स्ट हैं ये, यू कैन सी, ये हैं गोल्डन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइज हो गए हैं, ब्लैक मेटल के हो गए हैं, तो मैंने ये, और क्योंकि मेरे ये हैं गोल्डन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी हो गई थी, सो दैट मैंने ये गोल्डन ली है, जो काफ़ी लाइट वेट हैं, और ये भी 50 रुपीज़ के ही थे। इस तरह से 50-50 और 100-100 के बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, जो आपके पार्टी वियर हो, जो थोड़ी हैवी होगी उसका रेंज भी थोड़ी हाई रहेगी। ये मैंने लिए थे 250 के आफ्टर बार्गेनिंग, बताए उन्होंने मुझे ज़्यादा थे 250 के। अच्छा, ये लाइट वेट नहीं है, थोड़े हैवी हैं, बट मुझे पसंद आए तो मैंने ले लिए। और वहाँ पर एक आंटी से मैंने इस तरह के भी बहुत सारे लिए थे, जो मुझे मिल नहीं रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 3 का पेयर है, जिसमें एक बड़ा है और 2 छोटे छोटे, 10-10 रुपीज़ के आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगे, इस तरह से भैया लोग और खड़े हुए, जो कि मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये था मेरा इयररिंग्स कलेक्शन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए।
मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।